हेलो दोस्तों, रंजीश शिव व्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, ये था हम लोग के जमशेदपुर का सबसे खास दिन और इसका नाम हमने दिया मस्त मलंग और ये हम लोग का चैप्टर 5। ये जो डे था, ये डे बहुत ही इम्पॉर्टेंट था हम लोग के लिए जमशेदपुर में, क्योंकि इस दिन हमने सबसे बेहतरीन पार्ट एक्सप्लोर किया जमशेदपुर का, वो था जुबली पार्क। जुबली पार्क वहाँ का बहुत ही फेमस पार्क है। वहाँ पे जो भी अगर टूरिस्ट वगैरह या कोई भी नए लोग जाते हैं तो जुबली पार्क को ज़रूर वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरटेन का मोस्ट ऑफ जो साधन है। क्योंकि दोस्तों, अगर लोग इंटरटेन करना चाहते हैं, अपने डे को अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर वो फ्रस्ट्रेट हो चुके चाहे कुछ भी, तो इस जगह पर जाके वो अपने डे को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। तो हम लोगों ने किया, हम लोग तो एज अ टूरिस्ट थे और हम लोग घूमने के लिए आए, लेकिन हाँ, ये बहुत ही अच्छा पार्क था, ऑसम पार्क था। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग भी यहाँ पे आओ तो जुबली पार्क ज़रूर जाओ, पैसा वसूल पार्क है। क्या चार्ज है? क्या टिकट चार्ज? देन 200 रुपीज पर पर्सन। इसमें पैडल बोट है, ये वाटर कोस्टर वोर्टेक्स है, ये वाटर पार्क तरीके से ये है ना, वाटर पार्क बंद है। फ्लैश ऑन वाटर पार्क इज अंडर मेंटेनेंस। अच्छा, साइड वन वाटर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, एंट्री टिकट 200 रुपीज़ था। तो हम लोग पहले सोचे कि आखिर है क्या भाई 200 रुपीज़। हम लोग यहाँ पार्क का ज़्यादा से ज़्यादा टिकट जो होता है 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ ऐसे होता है। 200 किस चीज़ का लिया जा रहा है? तो एक्चुअली ये 200 जो फी था, ये फी पैसा वसूल था। एक्चुअली में इसमें लगभग मोर देन 7 जो राइड्स थे वो दिए गए थे और वो बहुत ही बेहतरीन थे। तो दोस्तों, ये हम लोग का फर्स्ट राइड हुआ जिसका नाम था वर्टेक्स। इसमें एंट्री के दौरान इतना डर लग रहा था, लेकिन लग रहा था कि हम लोग गिर जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने आप को थाम के हम लोगों ने इस वर्टेक्स में इंजॉय किया और फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितना इंजॉय किया। खत्म हो गया, बड़ा जल्दी खत्म हो गया। दोस्तों, कैसा लगा? दोस्तों, चलिए तो थोड़ा हल्का भी हो गया। और हर एक चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा दिस, यानी टॉयलेट। मैंने शायद प्रीवियस वाले वीडियो में भी आपको बोला होगा कि ये हम लोगों को कहीं नहीं छोड़ा, हर एक जगह पे मिला ही, और आगे आने वाले वीडियोस में भी जरूर होगा, आप देखिएगा ध्यान से। तो गाइज, यहाँ आ गए हम लोग। ये जो वाटर पार्क है, स्प्लैश जोन, ये यहाँ पे अंडर मेंटेनेंस। अगर ये होता, अगर स्प्लैश जोन ओपन होता तो इसका 200 का चार्ज और लगता, 400 रुपीज़ लगता। So here we are. Due to maintenance, splash zone will remain closed. But मैं थोड़ा सा सीन दिखा देता हूँ आपको।
शायद जुबली पार्क में कुछ जरूर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ जरूर पार्टी सार्टी वगैरह होता होगा, जैसे कि आप देख रहे हो स्टेज वगैरह बना हुआ था, आई डोंट नो, बट कुछ तो जरूर होता होगा, इसीलिए टेंट वेंट वगैरह लगाया गया था। ये वाटर पार्क का कुछ लिस्ट था, कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो मैंने कवर किया। वोटिंग? ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है क्या, ये है कैट्स और किटेन, एक बिल्ली की बच्ची थी और ये बिल्ली थे। जब हम उसको शूट करने लगे तो शायद ये आहट पता नहीं क्यों लेकिन भाग गई। देखिए कैसे भाग रही है दोनों। इसमें फोटो वोटो क्लिक करवा लेंगे। हमारे दादाजी जुबली पार्क का सबसे मोस्ट इंट्रैक्शन ये जोकर थे। एक्चुअली इनके सामने आने के बाद वो बहुत तेज़ी से हंसने लग रहे थे, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा। और हम लोग जब यहाँ से मूव करते हैं तो मैं बोलता हूँ वाओ वी आर ऑन द ब्रिज पूल है। हम लोग की जू की कमी यहीं पे पूरा हो गई थी यार। जंगल फन है, जंगल फन फिश उस नहीं है मगर इसमें। देखो सारा जू यही मिल गया तुमको, जू जू कह लेते हैं। यहाँ पे फोटो लेंगे हम लोग, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए ना, अब उधर से आते समय लेंगे जो भी, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। अरे हम लोगों को किधर जाना है, इधर जाना, बैटल ग्राउंड। इस दिन पार्क में भीड़ था, लग रहा था कि भीड़ नहीं है, बट सैटरडे और संडे को इस पार्क में और भी ज़्यादा भीड़ होता है। यहाँ के जो लोग थे जो राइड्स चला रहे थे उन्होंने ऐसा कहा। तो फाइनली दोस्तों अब आ गई हम लोगों की नेक्स्ट राइड की बारी। यहाँ से जाते हैं, हम लोग सोच रहे थे, डिसाइड करते कि आखिर किस राइड पर जाना है। तो सबसे पहले हम लोग स्मैशिंग कार पे जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन पार्ट। अभी आप देखिएगा ना तो कहिए कितना हम लोग मस्ती किए। थोड़ा सा एक एरर हो गया, पता नहीं कैसे मेरा माइक उतने अच्छे से काम कर ही नहीं रहा था। पता नहीं ये जो एक होता है कि पूरा इंसर्ट हो जाना, हमको लगता है इंसर्ट हुआ था, बट इधर वगैरह हाथ वात करने से ये माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया, यानी शायद निकल गया होगा बाहर में, इसीलिए अच्छे से जो एक मेरा साउंड आना चाहिए ओरिजिनलिटी वो नहीं आ पाया है। तो मैं कहीं कहीं पे उसे कट करके अपने वॉइस में ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों ये टिकट एक एकदम पास के जैसा था, ये हमेशा रखना है और जो जो राइड कीजिएगा वहाँ पे टिक लगाया जा रहा था। स्मैश करना है, ठीक है, जो कलर आपको पसंद है वो ले लीजिए। आपके लिए ये है, हम ले लेते हैं ब्लू वाला। तो घूमेगा, कैसा लग रहा है? किस
मैं इस पे बैठ जाता हूँ। अरे बाप, हम तो इसमें अटक गए। दोस्तों मैं ना राइड करते करते यहाँ स्टक हो गया और इसी समय में मैंने जो हैंडल कस के घुमाया यहाँ पे मेरा माइक पूरा लगता है निकल गया या फिर इजेक्ट हो गया होगा, आई डोंट नो, बट आवाज़ कुछ आ नहीं रहा था। तो मैंने कुछ वेट किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे चलाऊँ। एक्चुअली मैंने ये राइड किया लेकिन बहुत पहले, इधर तो फिर टाइम ही नहीं मिलता है अपने लाइफ में, इतना आदमी बिजी हो जाता है कि काम वगैरह करते करते कुछ वक्त का पता ही नहीं चलता है। फिर मैंने कोशिश किया वहाँ से निकलने का, मैं निकलूँ और फाइनली थोड़ा सा निकलता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम ये राइड जो है ना उतना अच्छा समझ में नहीं आया, बहुत जल्दी समय गुजर गया, पता ही नहीं चला कि मैं राइड कर रहा हूँ भी या नहीं। फाइनली हम लोग की राइड यहाँ पे हो गई थी ख़त्म। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, अपने अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर किया, बट जो हम लोग बात वगैरह कर रहे थे तो पता नहीं, हम लोग जब बाहर निकले थे अभी आप देखोगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा ये राइड जो है ना, बहुत ही हम लोगों ने मस्ती किया, बट एक जो फील होना चाहिए कि मैंने किया वो एक अच्छे से नहीं कर पाया। लेकिन ये सेकेंड टाइम राइड, ये भाई जी पता नहीं क्या मेहरबान हो गए, थैंकफुल टू हिम कि इन्होंने पता नहीं क्या सोचा, शायद हम लोग व्लॉग बना रहे थे या फिर शायद हम लोग उनको बहुत अच्छे लगे, तो उनके मन में ख्याल है कि आप, उन्होंने सारा किया कि आप एक बार और आ जाओ और मैं स्टार्ट कर दूँ। शायद उन्होंने देखा होगा कि ये लोग अच्छे से नहीं कर पाए, चाहे कुछ भी एकदम ऐसे ही पड़ा रह गया, तो फिर उन्होंने हम लोगों को बुलाया फिर से कि अगर आप लोग करना चाहते हो तो मैं एक बार ऑन कर देता हूँ फिर से। और यार फिर उसके बाद ना जो हमने धमाल मचाया, जो हमने मिस किए को तो स्मैश कर करके मैंने परेशान कर दिया उसको, तो एक टाइम ऐसा लगा ना कि एकदम धक्का लग जाएगा ऐसे करके। ये था हम लोग का सेकेंड टाइम राइड और ये देखिए थैंकफुल टू हिम, मैंने उन्हें फिर बाद में बहुत ग्रीट भी किया, उन्होंने अपना नाम भी बताया, मैं बताऊँगा आगे। तो ये जो सेकेंड वाली राइड थी ना इसमें मैंने धमाल मचा दिया, मैंने एज वेल एज मिस केके ने, देखिए किस तरीके से ये घूम रही है। और फिर कहा रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर मैंने एकदम स्पीड के देखा उसको, फिर जाके मैंने स्मैश कर दिया, कहा तो वाह, पूरा डर गई एकदम से कि ये क्या हो गया। फिर लगातार फिर अगेन मैंने पैसा वसूल कर लिया यार, एकदम धक्का मार मार के उसका, स्मैशिंग का मतलब और होता क्या है, नहीं ऐसे ऐसे कर लेते हैं, नहीं रुको जरा देख लो। तो फिर मैंने स्मैश किया, बार बार स्मैश, ये देखिए टीम स्मैश हुआ वन टाइम। ये सेकंड टाइम स्मैश हुआ, तो दोस्तों इसी तरीके से हमने इस राइड को बहुत इंजॉय किया, बहुत ही अमेजिंग तरीके से, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मैं फीलिंग बता नहीं सकता हूँ, जितना भी स्ट्रेस था ना ये दिन में बस ख़त्म ही होते जा रहा था, मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं था, बस अपने इस समय को इंजॉय करना और अच्छे से इंजॉय करना है। और शायद हमने बहुत ही बेहतर डिसीजन लिया था कि जुबली पार्क में एंट्री मारना है।
फाइनली हम लोगों की राइड हो गई ख़त्म। और मैंने भैया जी से, यहाँ पे देख रहे हो आप, बहुत ही अच्छे हैं, क्यूट भी लग रहे हैं और शायद हम लोग इनको बहुत अच्छे लगेंगे, इसीलिए हम लोग को सेकेंड टाइम इन्होंने चांस दिया स्मैशिंग कार। और मैंने नाम पूछा, रियली इस वीडियो में आना चाहिए था इनका नाम, बट अगर आप जाओ तो ज़रूर इनसे मिलो, इनसे बोलो कि रंजेश्वरी ब्लॉग पे मैंने आपको देखा है और मैंने इस ब्लॉग के माध्यम से इन्हें अगेन एंड अगेन थैंक्स कहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि लोग मतलब कुछ करते हैं किसी के लिए तभी लगता है कि वो है, बस एक ऐसा होता है ना, एक अटैचमेंट टाइप से हो जाता है अगर कोई किसी के लिए गुड डीड्स करते हैं तो, बिकॉज इफ़ यू गुड डीड्स डू देन आपको गुड डीड्स आएगा भी, एक अच्छी चीज़ें आएंगी भी आपके पास वापस। ये तो मज़ा आ गया, दिन बन गया नहीं। क्या चाहिए थी तुम्हारा? अच्छा तो कुछ नहीं, इस पर भी जाएंगे, इस पर भी घूमना है। ये थर्ड हम लोग का होगा ये वाला, और फिर उसके बाद हम लोग शिप पे जाएंगे, पायरेटेड शिप, हम लोग कर लेंगे पायरेटेड शिप का। कितने एक्साइटेड हैं लोग यार, तुमको कैसा लग रहा है? तो फाइनली दोस्तों ये व्लॉग आज मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ, क्योंकि ये व्लॉग अगर मैं एंड नहीं करूँगा तो हो जाएगा बहुत बड़ा। अभी तक हम लोगों ने 2 राइड ही कंप्लीट किया है, तो आप समझ सकते हो कि मोर देन 5 राइड्स अभी बचे हुए हैं। तो ये मैं बनाऊंगा चैप्टर 6 में, मस्त मलंग का पार्ट 2, यानी मस्त मलंग पार्ट 1 ये था, मस्त मलंग का पार्ट 2 बनेगा और चैप्टर 5 का ही। तो उसमें हम लोग और बहुत सारे राइड्स को देखेंगे। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।